तो मुझे लगता है आज अगर सबसे बड़ी कोई देशभक्ति का काम हो सकता है तो वो एक ही है कि 2024 में इनको हटाओ, है कि नहीं है? 2024 में इनको हटाना सबसे बड़ी देशभक्ति का काम है। देश तभी तरक्की करेगा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से संवाद के दौरान एक के बाद एक जमकर उन्होंने बीजेपी पर निशाने साधे। सीएम केजरीवाल ने 2014 से लेकर 2019 तक बीजेपी ने क्या क्या किया वो सब बता दिया। इतना ही नहीं, सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2024 में बीजेपी को सत्ता से हटाना ही सबसे बड़ी देशभक्ति है। बीजेपी को 2014 और 2019 में देश की जनता ने ऐतिहासिक बहुमत दिया था, वो चाहती तो देश को जबरदस्त तरक्की की राह पर लेकर जा सकती थी। लेकिन आज पूरे देश का माहौल बहुत खराब हो गया है। हर तरफ लड़ाई झगड़े हैं, गुंडागर्दी है, भ्रष्टाचार है, लूटपाट है और घर तक में लड़ाई हो जाती है। वो है अब 2024 के चुनाव आ रहे हैं और इन लोगों को 2014 में और फिर 2019 में देश के लोगों ने बहुत भारी बहुमत देके जिताया था, ऐतिहासिक बहुमत था, अद्भुत बहुमत था। इनके पास मौका था कि ये चाहते तो देश को जबरदस्त तरक्की के रास्ते पे ले जा सकते थे। लेकिन आज देश में हम क्या देख रहे हैं, चारों तरफ माहौल इतना खराब हो गया है, इतना खराब हो गया है, आपस में लोगों के लड़ाई झगड़े होने लगे हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप तो छोड़ो, परिवारों के अंदर बाप और बेटे की लड़ाई हो जाती है। भाई आप कोई भी आदमी किसी भी पार्टी का हो, लेकिन इतना जबरदस्त समाज के अंदर पोलराइजेशन कभी नहीं देखा गया था। गलत तो नहीं कह रहा मैं, इतने लड़ाई झगड़े, इतना भ्रष्टाचार, इतनी गुंडागर्दी, इतनी मारपीट, इतनी लूटमार, कहीं शांति नजर नहीं आती। और अगर शांति नहीं होगी तो देश तरक्की नहीं कर सकता। इस वक्त देश की हालत, और कोई तबका बता दो जो खुश हो इनसे, सारे दुखी हैं इन लोगों से। बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया, सब चीजों का बेड़ा गर्क कर दिया। तो मुझे लगता है आज अगर सबसे बड़ी कोई देशभक्ति का काम हो सकता है तो वो एक ही है कि 2024 में इनको हटाओ, है कि नहीं है? 2024 में इनको हटाना सबसे बड़ी देशभक्ति का काम है। देश तभी तरक्की करेगा। इन्होंने जो निर्णय लिए, कुछ समझ नहीं आता ये क्यों निर्णय लेते हैं। जाहिर है कि साल के अंत तक देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अगले साल 2024 के चुनाव होने हैं, जिसके लिए राजनीतिक पार्टियां अभी से तैयारी में लगी हुई हैं और उसी के चलते ऐसी बयानबाजी हो रही है। लेकिन देखना होगा कि ऐसी बयानबाजी का जनता पर कितना असर पड़ेगा और जनता किसको चुनेगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।